हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपनी साइट को क्लाउड क्रेडिट पे कैसे ऐड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं अपनी वेबसाइट को क्लाउड क्रेडिट पे ऐड करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट है मिनिफिकेशन। मिनिफिकेशन का मतलब आपके साइट पे जो भी HTML, JavaScript और CSS है उसको मिनिफाई कर दिया क्लाउड क्रेडिट। सेकेंड जो बेनिफिट है वो है फ्री SSL। आप यहाँ से फ्री SSL ले सकते हो आप, जिससे आपकी साइट सिक्योर शो करेगी सर्च इंजन में। थर्ड जो मेन बेनिफिट है इसका वो है DNS सिक्योरिटी। ये आपके मेन होस्टिंग DNS को हाइड कर देगा, जिससे आपका साइट सिक्योर रहेगा। फोर्थ है इसका बेनिफिट कि ये इमेज ऑप्टिमाइज करता है, लेकिन शायद ये बेनिफिट आपको इसके पेड प्लान में मिलेगा। फिफ्थ है वेब ऑप्टिमाइज नेटवर्क राउटिंग। इससे क्या करेगा कि जो भी नियर बाई नेटवर्क होगा, जहाँ से आपकी वेबसाइट ओपन की जाएगी, उसी से वो राउट कर देगा और आपकी साइट फास्ट लोड होगी। तो चलिए देखते हैं कि अपना हम साइट क्लाउड फ्लेयर पर कैसे ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्लाउड फ्लेयर सर्च करना है गूगल में, और फिर जो पहला रिजल्ट है cloudflare.com, उसको ओपन कर लेना है। हमें साइन अप पे क्लिक करना है। साइट ओपन हो रही है और आपको यहाँ अपना ईमेल डालना है, ईमेल और पासवर्ड। मेरा ऑलरेडी यहाँ अकाउंट बना हुआ है, तो मैं सीधे लॉग इन करता हूँ। आपको यहाँ राइट साइड में दिख रहा होगा ऐड ए साइट का बटन एक होगा, आपको ऐड ए साइट पे क्लिक करना है। आपको अपना यहाँ डोमेन ऐड करना है, तो मेरा डोमेन नेम है आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप यहाँ डोमेन अपना ऐड करोगे, उसके आगे कुछ भी HTTP, HTTPS कुछ भी नहीं लगाना है, ठीक है। सिर्फ आपको डोमेन यहाँ ऐड करना है, कुछ भी www भी नहीं लगाना है, ठीक है। यहाँ डोमेन करने के बाद आपको ऐड साइट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको देखना है यहाँ अलग अलग प्लान्स हैं क्लाउड फ्लेयर के, लेकिन हम फ्री वाला यूज़ करेंगे। तो आप बॉटम में देखोगे ये फ्री प्लान है, तो इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये स्कैन करेगा आपका DNS रिकॉर्ड वेबसाइट का। उसके बाद आपको यहाँ कोई भी सेटिंग्स चेंज नहीं करनी है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। फिर क्लाउड फ्लेयर आपको बोलेगा कि आपको रिमूव करना है नेम सर्वर से, और इनके क्लाउड फ्लेयर के नेम सर्वर से आपको रिप्लेस करना है। तो मैं ये क्लाउड फ्लेयर का नेम सर्वर कॉपी कर लेता हूँ फर्स्ट वाला, और मैं अपने डोमेन जहाँ मैंने डोमेन परचेस किया नेमचिप पे, वहाँ जाता हूँ। और ये देखिए मैं डोमेन यहाँ मैनेज पे क्लिक करता हूँ। मैं नेमचिप होस्टिंग डोमेन के लिए मैंने नेमचिप यूज़ कर रहा हूँ, आप जहाँ भी यूज़ कर रहे हो प्रोसेस सेम ही होगा। फिर आपको यहाँ जाना है कस्टम DNS में, और यहाँ मैं जो क्लाउड फ्लेयर ने हमें DNS पाला दिया है वो मैं पेस्ट करूँगा। फिर यहाँ से मैं सेकेंड DNS अपना कॉपी करूँगा और यहाँ पेस्ट करूँगा। अब मैं यहाँ सेव कर दूँगा। अब सेव करने के बाद डन चेक नेम सर्वर से आपको क्लिक कर देना है, गेट स्टार्टेड, सो सेव। ऑलवेज यूज HTTPS पे आपको इसको ऑन कर लेना है, सेव। ऑटो मिनिफाई, ये मैंने आपको बेनिफिट्स में बताया था। पहला जो बेनिफिट है उसका मिनिफाई करता है अपने साइट पे JavaScript, CSS और HTML, तो आप इन तीनों को टिक कर सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिए, अगर आपकी साइट ब्रेक हो रही है तो आप इसको अनटिक भी कर सकते हो। आप जैसे आपके साइट पे इफेक्ट कर रहा है उस हिसाब से आप डिसीजन लोगे। तो मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद ब्रोटली इसको हम एज इट इज रहने देंगे, सेव पे क्लिक करते हैं और फिनिश पे। यहाँ हम देखते हैं कि अपडेट हुआ कि नहीं। हमने अभी जस्ट नेम सर्वर अपना अपडेट किया है, तो इंस्टेंट यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं होता कई बार, तो हम देखते हैं, चेक नेम सर्वर पे क्लिक करते हैं।
ये बोल रहा हमें कुछ घंटे वेट करने को, लेकिन ये कुछ मिनट में मिनटों में हो जाता है एक्चुअली। तो हम थोड़ी देर बाद ट्राई करेंगे, ये रिफ्रेश करेंगे पेजेस को, देखते हैं कि वो अपडेट हुआ या नहीं। तो आप इसको रिफ्रेश करते रहेंगे और 10-15 मिनट बाद आप देखेंगे, 10 to 15 मिनट्स बाद, कि ये शो करेगा नाउ क्लाउडफ्लेयर इज नाउ प्रोटेक्टिंग योर साइट, मीन्स आपकी साइट ऐड हो चुकी है। अब मीन्स के अलग अलग सेक्शंस को थोड़ा देख लेते हैं, इसमें मेन इंपॉर्टेंट है SSL। तो आप इसमें देखेंगे फ्लेक्सिबल पे टिक मारा हुआ है, सही है। SSL इसको आप ऑन कर सकते हो, आप SSL TLS रिकमेंडेड को। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे और वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।